हे वेलकम बैक, स्वागत है आपका इस चैनल में जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप्स के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर। तो अभी समय है स्टार्टअप स्टॉक्स का, जिसमें हम बात करते हैं कौन सा नया इनोवेशन आने वाला है, अगले 5 साल में, फिर 10 साल में कौन सा नया बिजनेस क्रिएट किया जाएगा, उसके बारे में बात कर रहे होते हैं स्टार्टअप स्टॉक्स में। बिजनेस लाइन के ऊपर जो चल रहा होता है उसको अपडेट लेते रहते हैं, अगर चल के आ रहा है बिजनेस लाइन के ऊपर, ताकि हम जब बिजनेस करें तो बिजनेस फेल होने का चांस कम हो। एक फैक्ट मैं आपको दे दूं इंडिया के स्टार्टअप से रिलेटेड कि 90% स्टार्टअप जो होता है पहले 5 साल के अंदर फेल हो जाता है। रीजन क्या है? लैक ऑफ एग्जैक्ट नीडेड इनोवेशन, यानी कि एक्चुअल जो चाहिए होता है हमारे कस्टमर को वो हमारे स्टार्टअप्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स नहीं दे पाते हैं, और जिस कारण से जो है पहले 5 साल के अंदर फेल हो जाता है। तो अगर इसी इनोवेशन के ऊपर हम ध्यान दें तो जो हमारा स्टार्टअप होगा वो फेल होने का चांसेस कम होगा, और यही हमारा मोटिव है कि हम उन सारी चीज़ों पर ध्यान दें जो एक्चुअल हमारे कस्टमर चाहिए होता है, तभी हमारा जो स्टार्टअप होगा फेल होने का चांसेस कम हो। और सिर्फ हमारा स्टार्टअप सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि और भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में जो है एग्जीक्यूट करे, वहाँ तक भी फैले, ताकि जो है हम वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो है हम सही तरीके से बिजनेस क्रिएट कर पाएंगे। जैसे टेस्ला कार को आप देख सकते हो, वो सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं बल्कि डिफरेंट डिफरेंट देशों में फैल रहा है। तो हम इसी के बारे में अपडेट लेते रहते हैं कौन सी कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। तो यहाँ पर पहले का अपडेट निकल के आते हैं इलॉन मस्क की तरफ से, और इलॉन मस्क को जो है एनोनिमस हैकर ने टारगेट किया है। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो है फ्लक्चुएट करते हैं, इनके एक ट्वीट पर जो है बिटकॉइन का वैल्यू जो एक तरह से, या फिर क्रिप्टो करेंसी बेसिकली बिटकॉइन के जो है वो फ्लक्चुएट कर जाता है, तुरंत हाई से लो, लो से हाई चल जाता है, और जिस कारण से एनोनिमस हैकर ने इनको टारगेट किया है कि आप इस तरीके से ना करें तो सही रहेगा। और ये एनोनिमस हैकर जो है वो काफ़ी जो है शानदार एक्सपर्ट है कंप्यूटर में, ये किसी भी चीज़ को हैक करने में एक्सपर्ट है। या फिर से अगली खबर डेट निकल के आती है डाई मोटर की तरफ से, और ये जो है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बना रही है, और इसमें जो जिसमें कि 125 सीसी का जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल होगी। वैसे मैं आपको बता दूं तो फ्यूचर जो है इलेक्ट्रिक के ऊपर है, इलेक्ट्रिक इन द सेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मान सकते हो हर एक चीज जो भी पेट्रोल डीजल पर चलती है उसका हर एक चीज को जो है आप अगले 10 साल में जो है इंडिया में भी आप देख सकोगे कि हर एक चीज को जो है शिफ्ट करी जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। इलेक्ट्रिक स्कूटर होगी, इलेक्ट्रिक बाइक होगी, इलेक्ट्रिक जो भी कार होगी, इलेक्ट्रिक ट्रक होगी इवन, क्योंकि इसका जो टेस्टिंग भी चल रही है डिफरेंट डिफरेंट देशों में। वैसे आगे इसके बारे में अपडेट भी है, ऐसी बात है। या फिर अगली खबर डेट निकल के आती है ट्विटर की तरफ से, और ट्विटर जो है नाइजीरिया से बैन हो चुकी है, और नाइजीरिया कंट्री ने ट्विटर को हटा दिया है, और उसके रिप्लेसमेंट जो है कू ऐप वहाँ पे काम कर रही है। तो बड़ी बात होती है, अच्छी बात होती है कि इंडिया का जो है एक तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है नाइजीरिया में काम कर रही है। या फिर अगली खबर डेट निकल के आती है फुल्ली ऑटोनोमस ट्रक की तरफ से, और वैसे मैं आपको इसके बारे में बता चुका था 2-3 दिन पहले, लेकिन फिर भी खबर अपडेट निकल के आती है बार बार इसके बारे में कि ये जो है अच्छी खासी काम कर रही है, और फ्यूचर में, फ्यूचर इन द सेंस करने का 5 साल या फिर 10 साल मान लो, कि ये जो है रोड पे चल सकती है, इलेक्ट्रिक जो है ट्रक है ये, और ये जितना जो है हमारा ड्राइवर सही तरीके से नहीं चला पाएगा उतना अच्छा जो है ये इलेक्ट्रिक ट्रक जो है फुल्ली ऑटोनोमस जो है सेल्फ ड्राइविंग कार जो है, सेल्फ ड्राइविंग जो है ट्रक जो है वो काम कर रही है। तो उसके ऊपर जो है एग्जीक्यूशन हो रहा है, और माना जा रहा है कि ये इलेक्ट्रिक जो है सेल्फ ड्राइविंग का जो मार्केट है वो लगभग $1 बिलियन से भी ऊपर का है, यानी कि $1 बिलियन में इसका जो है ये मार्केट वैल्यूएशन है। तो इसके ऊपर जो है काम करी जा रही है डिफरेंट डिफरेंट जो है स्टार्टअप कंपनी के द्वारा। या फिर से अगली खबर डेट निकल के आती है इंडिया की तरफ से, और ये योर स्टोरी की अपडेट है। योर स्टोरी जो है इंडिया का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशियल न्यूज जो आपको प्रोवाइड होती है। तो ये जो है बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं इंडिया के भी जो कोशिश कर रहे हैं कि वैसे सोर्स के ऊपर काम किया जाए जहाँ पे बहुत सारे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट के ऊपर। और वेस्ट जो है पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वेस्ट बहुत उस चीज़ का हो सकता है, प्लास्टिक वेस्ट हो सकता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट वेस्ट हो सकते हैं। तो उसके ऊपर जो है इंडियन एंटरप्रेन्योर कोशिश कर रहे हैं कि उसके ऊपर काम किया जाए। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि बैनिया नेशन हो गई, बैनिया नेशन करें आप सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं बैनिया नेशन के बारे में वीडियो बना चुका हूं कि बैनिया नेशन किस तरीके से काम करती है। तो बैनिया नेशन और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो स्टार्टअप कंपनी है वो ई वेस्ट के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, उसके अलावा ई वेस्ट के अलावा जो है जनरल वेस्ट के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात होती है, इसमें भी है बहुत ज़्यादा मार्केट जा सकती है, लेकिन अभी नहीं जा पाएगी क्योंकि लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है। अभी तो लोग समझ रहे हैं पैंडेमिक के टाइम पे इसके कारण से बहुत सारे जो पॉल्यूशन है उसके कारण से भी क्रिएट होते हैं, लेकिन ये कचरा ही बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर देगा। उसका पहले अवेयरनेस फैलाना चाहिए, उसके बाद जो अवेयर है उनसे जो है सही तरीके से बिजनेस क्रिएट करना चाहिए। वैसे अगली खबर डेट निकल के आती है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। वैसे मैं आपको बता दूं तो आज संडे है, तो स्टॉक मार्केट से कोई खबर अपडेट निकल के नहीं आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि सैटरडे और संडे को स्टॉक मार्केट में छुट्टी रहती है। वैसे ये थी आज की अपडेट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और नहीं लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दिए, शेयर भी कर दिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह हर रोज ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।